नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, केडी राजस्थान में आपका स्वागत है। नागौरी बैल अपनी खूबसूरती, अपनी सुंदरता, अपनी ताकत के लिए पूरी दुनिया में धाक रखते हैं और ये है नागौर, नागौर का रामदेव पशु मेला मैदान, जहां से मैं इस बार 2023 में किस तरह का पशु मेला है और नागौरी बैल किस तरह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि खास प्रसिद्ध है नागौरी बैल यहाँ के और उनके लिए पहुँचते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से खरीदार। तो क्या खासियत के साथ यहाँ पर एक देखिए एक सुंदर जोड़ी यहाँ पर पहुँची हुई है, क्या नाम है सर आपका? शांतिलाल जी। कहाँ से हैं आप? एमपी से। एमपी से यहाँ आए? ये जोड़ी हाँ, आपने खरीदा है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये कितने एक मिलिया है? सत्तर हजार रुपये में। बैल से आप क्या करते हैं, मतलब रेस के लिए? लिए रेस लगाते हो? हाँ। तो ये नागौरी जो नस्ल की जो बैल है उसमें आप क्या खासियत देखते हो? ये नागौरी बैल चलते अच्छे हैं, दौड़ने में अच्छे होते हैं। हाँ, दौड़ने में अच्छे होते हैं, इसलिए हम एमपी से यहाँ लेने आए। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से हैं आप लोग? इंदौर से। एमपी से? एमपी से। इंदौर। इंदौर से क्या नाम है आपका? कालू लोहार। कालू जी लोहार। तो यहाँ पर किस लिए, ऊँट के लिए आए हैं क्या? हम बैल के वास्ते आए। बैल के वास्ते आए। नागौरी बैल? नागौरी बैल। लेंगे या बेचेंगे? लेना है। लेने खरीदने आए हैं? अच्छा, तो पसंद आया? पसंद आए, लिए। आप यहाँ पास में इतनी दूर से माइक में नहीं आएगा आवाज, क्या लिए? लिया हमने। ले लिया? हाँ। पसंद आ गया? आ गया। कितने में लिया? एक जोड़ी 65 की। अच्छा। एक 70 की। अच्छा। एक 55 की। अच्छा। अलग अलग जोड़ी उन लिए सब। अच्छा, यहाँ पर तीन चार जोड़ियाँ मतलब लिया? हाँ, हमने चार इनने खरीदे, चार उसने खरीदे। से क्या काम करते हम? ये बेल का अपन खेती के लिए ले जाते हैं हम। गोले में चलते हमारे इधर। अच्छा, गोले में। अच्छा, खेती में। खेती में सारे खेती का काम लेते हैं या आगे बेचने का भी? नहीं नहीं, खेती का काम करते हैं, खेती का करते हैं। अच्छा अच्छा, तो नागौरी बैल में क्या खासियत होती है? नागौरी बैल में ऐसी होती है, नस्ल बहुत अच्छी है, उनकी नस्ल अच्छी आती है, चलने में अच्छा आता है, ताकत में अच्छा आता है, हाइट में अच्छा आता है, ऐसा मूतने की जगह नहीं उसको, और कलर उसकी कम है, कमली कम रहता है, और कमली कम रहता है, मूतने का छोटा रहता है, खूबसूरत पूंछ ऊंची होती है, टाट बढ़िया होती है, सफेद व्हाइट होता है। यही सब खासियतों को लेकर ये देखिए नागौरी बैल को लेने के लिए खरीदार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं मेले में, किस तरह का रंग यहाँ मेले में इस वक्त जो है वो दिखाई दे रहा है। और ये देखिए खूबसूरत नागौरी बैल, ताकतवर नागौरी बैल, सब का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। ये पूरा एक जो ब्लॉक है नागौरी बैल से भरा हुआ है और खूब सारे नागौरी बैल, आपको खूबसूरत नागौरी बैल और के साथ सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है खूबसूरत नागौरी बैल। और ये देखिए खूबसूरत हष्ट पुष्ट नागौरी बैल, और जिनकी ख़रीदारी के लिए ये देखिए बातचीत चल रही है, सौदागर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये देखिए खूबसूरत नागौरी बैल, और ये देखिए खूबसूरत नागौरी बैल के बछड़े यहाँ पर मेले में पहुँचे हैं, और इसी तरह से यहाँ पर भारी संख्या में नागौरी बैल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक और नागौरी बैल का पूरा ये जत्था दिखाई दे रहा है, भारी संख्या में ये देखिए नागौरी बैल, और ये खूबसूरत जोड़ी नागौरी बैल की, ऐसा लगता है कि जैसे कोई सफ़ेद घोड़ा खड़ा है। और ये देखिए एक बलवान नागौरी बैल जो उतारने में ही परेशान कर रहा है, और देखिए हष्ट पुष्ट अपनी ताकतवर डील डोल से ध्यान खींच रहा है। और इसी तरह से ये देखिए एक और हष्ट पुष्ट नागौरी बैल का जोड़ा मेले में पहुंचा है और सब इसकी ओर ध्यान से देख रहे हैं, जिस मजबूत चाल से ये आगे बढ़ रहा है। और ये देखिए खूबसूरत ये बैल जिद कर रहा है कि तेरे साथ नहीं जाऊंगा, और ये देखिए जिद से आप खींच भी नहीं सकते, इसमें इतनी ताकत है। ये बात है, डांस करने लग रहे हैं। और ये देखिए फुदक फुदक कर सबका ध्यान खींच रहा है, ये है नागौरी बैल अपनी ताकत और अपनी उछल कूद से ध्यान खींच रहा है। इसी तरह ये देखिए एक से बढ़कर एक नागौरी बैल, और ये देखिए नागौरी बैल
बछड़े जिनको बोलते हैं बछड़ा, ये लेकर कहाँ से आए आप? जाइल से। जाइल नागौर की? जाइल नागौर से। तो ये बछड़े की अभी आप कीमत नहीं लग रही? कीमत नहीं लगी, 2100 रुपया लगते हैं। अच्छा, अभी आपको दे रहे थे जबरदस्ती? जबरदस्ती देते हैं, हम ले नहीं। हमने, आपने लिया नहीं? लिया नहीं। आपको कितना कीमत थी इसका? इसका 5100 रुपया। 5100 रुपये से नीचा नहीं चलेगा एक भी? हाँ, नीचे नीचे। 5100 रुपये से नीचे नहीं चलेगा। ये कितने टाइम का? ये 10 महीने का। एक और नागौरी बैल का, ये देखिए हष्ट पुष्ट नागौरी बैल, और ये देखिए नागौरी बैल पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती, अपनी सुंदरता, अपनी ताकत, अपनी ऊंची कद काठी के लिए प्रसिद्ध, और नागौरी बैल के लिए प्रसिद्ध यह मेला, नागौर का पशु मेला, जो कि प्रसिद्ध है नागौरी बैल के लिए, और वर्षों से यहाँ पर खरीदार आते हैं, देश के हर हिस्से से इन खूबसूरत नागौरी बैलों को खरीदते हैं। खेती में विशेष रूप से इनकी एक महत्व होता है, क्योंकि बहुत ताकतवर होते हैं, और इसीलिए खेती में इनका एक विशेष जो है काम आता है। गन्ने की खेती में तो विशेष रूप से नागौरी बैल का महत्व जाना गया है, और नागौर के प्रसिद्ध यह नागौरी बैल का यह मेला, इस वक्त हजारों हजारों की संख्या में नागौरी बैल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये देखिए घुड़सवारी के साथ मेले का आनंद लिया जा रहा है। विदेशी पर्यटक पहुँचे हुए हैं और घुड़सवारी के साथ घूम कर घोड़ों पर इस शानदार मेले को निहार रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह मेला इस बार फिर से अपने उस अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ नागौर में लगा है, और अलग अलग देशों से, अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग इस मेले को देखने के लिए पहुँचे हैं, और ये देखिए खूबसूरत नागौरी बैलों को निहारा जा रहा है, खरीदार पहुँच रहे हैं और देख रहे हैं, अपनी पसंद कर के अनुसार नागौरी बैल को देख रहे हैं। नागौरी बैल के लिए प्रसिद्ध यह नागौर का पशु मेला, और यहाँ पर देखिए किस खूबसूरत जो नागौरी बैल यहाँ पर पहुँचे हैं। कभी कभी तो दूर से हम नागौरी बैलों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सफ़ेद घोड़ा दौड़ता हुआ कहीं जा रहा है, और घोड़ों जैसी दौड़ और कद काठी इन बैलों की होती है, और क्या खासियत होती है बातचीत हम करेंगे। और ये लोग कहाँ से हैं? इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर बैल ला के खड़े किए हुए हैं, कहाँ से हैं आप लोग? हमारा गांव है कुंतियांस नहीं, डेगणा के पास में, तहसील डेगणा है, जिला नागौरी है। हाँ, तो कितने के यहाँ पे बैल, कितनी जोड़ी लाए हैं? हम ले 60-70 बैल। अच्छा। एनी टाइम घर पर रखते हैं 60-70 बैल। अच्छा, हाँ, परमानेंट। तो इतने सारे बैल आप रखते, फिर उनको क्या करते करते गे? हम रेस के लिए भेजते, पंजाब भी भेजते, महाराष्ट्र भी भेजते, गुजरात भी भेजते। हमारा काम यही है, हमारा और नीटू भाई का। हाँ, परमानेंट 60-70 बैल घर पर ही रखते हैं। मेरा नाम चेना है। हाँ। इसका भाई नीटू है, राजस्थानी। हाँ। तो ये बैल आप मतलब बेचते भी हो क्या? हाँ, खरीदते और बेचते। बेचते खरीदते हैं। हाँ, रेस भी लगाते हैं। हाँ, रेस हम नहीं लगाते, लोग लगाते हैं। हमारे तो यहाँ गामड़ों में रेस होती नहीं, नागौर जिले में। पंजाब में होती है, महाराष्ट्र एमपी में होती है रेस। क्यों? रेस के लिए बच्चे है ना, बहुत तकड़े रहते हैं भैया। अच्छा, इसी बात नागौर का बेल वहाँ एमपी या पंजाब में जाके मेडल लेके आता है। नागौर जिले के ही काम आते है। क्यों? हल भाई तो अभी है नहीं। वैसे एक रेस है, शौक है। शौक का कोई मोल नहीं है, बस आ बात है। तो ये जो ये खूबसूरत आप जोड़ियाँ लेके बहुत सारी खड़े हैं, थोड़ा बताएंगे ये जो ऐसे जोड़ी जो है, इसमें ये कितने दांत की है, क्या खासियत, कितने समय की हो गई है? ये चार-चार दांत है। चार-चार दांत है। हाँ जी, चार-चार दांत है। चार-चार साल के हो गए। मतलब एक दांत का मतलब एक साल हो गया कि? नहीं, दो दांतों का होता है, ढाई साल होता है। दो साल का, ढाई साल का होता है। ढाई साल का होता है, दो दांत वाला। और अभी चार दांत का हो गया तो? ये चार साल का। ये चार साल का हो गया। चार साल का। ये इसका मतलब है, इसकी उम्र, इसकी दांत से उम्र, दांत से उम्र का पता लगता है। हमारे घर पर भी खीरा बेल 10-20 एनी टाइम रखता, खीरा पंजाब जाने के लिए 10-20 बेल रखता। वैसे क्या करते हो? खेती भी करते हो? हाँ, खेती भी करते। तो यहाँ पर प्रतियोगिताएं भी होती है, तो उसमें भी आप भाग लोगे? खीरा की चलती है, दुगा चौगा, दो दांत चार दांत की भाग चलेगी। हाँ। वो जाएंगे, हम भी जाएंगे। बछड़े हमारे पास 50-55 है ना। हम भी शौक रखते हैं, शौक का तो कोई मोल नहीं है। जानवर क्वालिटी के रखते हैं, लल्लू फल्लू जानवर नहीं रखते। हाँ, बात है। तो ये थोड़ा सा और दिखाएंगे अपनी खूबसूरत जोड़ी को, आओ थोड़ा सा देखते हैं अपन। ये देखिए ये खूबसूरत, ये तो और भी बड़ा, ये छह दांत है क्या? कानी पर गया जी। इसका नाम राजा रखा हुआ था हमारे। हाँ। इसके लड़के ने। हाँ।
चौधरी साहब के लड़के ने राजा रखा हुआ था। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया सूत बैल है। इसका कपड़ा उतार के दिखाऊं शरीर इसका? दिखाओ जरा। ये देखो फुल फुल हाइट का है, ये फुल हाइट का है जी। अरे घर पर ही रख क्या बात है, घर का था बैल, घर का पड़ा हुआ रखा हुआ बैल है। हाँ हाँ, ये देखिए खूबसूरत बैल यहाँ पर बहुत सारे हैं। और ये थोड़ी कम उम्र के लग रहे हैं। ये जोड़ी दो दो दांत है, ये दो दांत की जोड़ी है। तो एक बात बताएंगे और, जैसे जैसे छोटा बैल होता है और बड़ा जो बैल होता है उसमें जैसे क्या फर्क क्या होता है, जैसे दौड़ में ज्यादा फर्क पड़ता है क्या, जैसे किन चीजों में फर्क पड़ता है? फर्क तो नहीं, नस्ल तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नस्ल तो होती है एक जैसी। नस्ल की होती है, कंबल नहीं होती, मूतना नहीं होता, कान छोटा होता है। ये मारवाड़ी नागौरी नस्ल होती है। इस बात है रेस में जैसे बेटर कौन होते हैं या जुताई में जैसे बेटर कौन होते हैं? रेस में तो भैया कोई पता नहीं कौन सा भाग जाए, ये तो तकदीर की बात है। वो रेस में भाग जाते हैं ना बैल, उसकी कीमत भी 20 लाख 25 लाख 10 लाख जो मेडल लिया था। मेडल लेता है पंजाब में क्यों भाई, इतना राई भाई है बाहर बैठे है, वो भी बस एक शौक के लिए कर रहे हैं काम, उसके तो कोई पैसों की कमी नहीं है। अमरीका कनाडा क्यों भाई, ये नहीं बात है, इसके दोस्त अमरीका कनाडा में बहुत है भाई, ये सरदार लोग है। ये वहाँ से आया बसिया के पास में, इसका गाँव है रूमी पिंड है। हाँ, ये सरदार का दिग्राम के पास, ये भी छोटा बछड़ा लेने आया है। अच्छा, पालने के लिए, भगाने के लिए। ये कह रहा था भगाएंगे दौड़ में, पाड़ के भगाएंगे, भगा के क्यों के 10-20 लाख का बिक जाएगा, ऐसे कह रहा है। क्यों, वहाँ भाग जाता ना पशु, उसका कोई मोल नहीं है पंजाब में। भाई साहब को भी दो जोड़ी लगी है, ये बीकानेर का एरिया का है, इसको भी पालने का शौक है। पालने का शौक है, शौक वास्ते दो बच्चा लिया है, दो लिया है, दो बच्चा लिया है, दो लिया है। बोला भी नीटू मैं बच्चे पालूंगा, मेरे से लिए है ये। बोला मैंने दो जोड़ी लई है पालने के लिए, पाल के बड़े करके बाप से यहीं लाएगा। शौक का कोई मोल नहीं है भैया। बच्चों की तरह पालते होंगे आप तो? हाँ, बच्चों की तरह। तिल्ली का तेल, दूध, चारा, 3 टेप का चारा रख रखा मैंने उसको, ऐसी बात है। आप भी शौक रखते हो? आप कम शौक के तो मैं तो शौक करके तो इतना बड़ा टेंट लगाया, क्यों जानवरों को ठंडी ना लगी। तो इनकी जैसे कीमत का कोई आइडिया आप दे सकते हैं, जैसे ये किन कीमतों में जैसे बिकते हैं आप? अभी तो यहाँ तो बिकते हैं बस कोई 55 का, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 60 का, एक एक। हाँ, कोई मैंने बेची अभी 1.5 लाख की भी जोड़ी बेची है, ऐसी बात है। एक जोड़ी बेची है वो परली वाली भाई साहब को, वहाँ क्या है नागपुर के, उसको 2,10,000 में बेची है एक जोड़ी। अच्छा, कीमत अच्छी मिल रही है? कीमत तो अच्छी मिल रही है, पर क्वालिटी रही ना, अभी क्वालिटी भी इधर रही ना, लंपी से मर बहुत गई। अच्छा, हाँ बात है। अभी तो अब आता है जानवर का मोल है, कि हाँ भी जाओ बढ़िया जानवर बढ़िया पैसों में बिकता है। आइडिया लूँ, ये जैसे ये एक जोड़ी है, ये आप बेचने के लिए लाए हैं या वैसे केवल दिखाने के लिए लाए हैं? ये जैसे जोड़ी है ये दिखाने लाए हो, केवल बेचने के लिए? ये बेचने के लिए ही लाए। जैसे इसकी क्या कीमत होती है? इसका कीमत मैंने 1,60,000 रुपये मांग रखा है जोड़ी का ही। अच्छा, बात है। आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? बैल लेने आए जी। बैल लेने आए हो कहाँ से? जिला सहारनपुर से। सहारनपुर यूपी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या करते हो बैल से वहाँ पे? खेती। खेती का काम करते जी। गन्ने का? गन्ने का, हाँ जी। गन्ने का खेत है आप? गन्ने है हमारे यहाँ से। हाँ, गन्ना काम करते हैं। तो खेती में जैसे गन्ने की खेती में ये नागौरी बैल बढ़िया रहते हैं? बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं। जैसे नागौरी बैल मिल जाए तो वो उसमें ट्रैक्टर नहीं चल सकता? हाँ, वो ट्रैक्टर का चले है, वो हिसाब कुछ समझ में नहीं आता ट्रैक्टर का। ये गन्ना ज्यादा टूट जा, पहिए तो उसके, वो बैलों की भाई ठीक रहा खेती में। अभी फिलहाल तो पसंद नहीं है, एक बैल पसंद आया, अभी तो इधर खड़ा है। पसंद आया है? हाँ। ये राजा बैल, अब उसको, इसको अब आप कीमत में लोगे अपने अनुसार? हाँ, अपने सौदा करेंगे भाई, तो इसका सौदा होगा इसका। हाँ जी, बिल्कुल बात सही है कि खरीदार और बेचने वाले दोनों की इच्छा सही बिकता है। और ये देखिए खूबसूरत जोड़ियाँ जो कि डेगणा के कुतिया सनी खुर्द से ये व्यापारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये साथ साथ में जो भैंस हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पाडे। नागौरी बैल की खरीदारी और बेचने का दोनों का काम यहाँ पर होता है और भारी संख्या में इस बार जो पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए ये लोग कहाँ से हैं और क्या इन्होंने बैल लिया है या खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बातचीत उनसे करेंगे। नाम और परिचय बताएं, कहाँ से हैं आप? हम गुजरात से हैं साहब जी, और हमारा नाम है गौतम भाई। गौतम भाई, बराबर। हम ये बैल गुजरात ले जाएंगे, उसको हल में चलाएंगे और हल से उससे खिलाएंगे पिलाएंगे, बच्चों की तरह रखेंगे। और नागौर के जैसा बैल पूरे विश्व में कहीं पे नहीं है। उसका कट काठी होता है, हाथ पैर चोखा, कान छोटे, चमड़ी पतली, पूरे विश्व में प्रख्यात है नागौर का बैल।
हमारे गुजरात ऊंचा कद और अपनी ताकत, हाँ अपना ऊंचा कंध में और कंध काठी में पूरे विश्व में ऐसा बैल नहीं मिलेगा। नागौर की जो नस्ल है और नागौर की जो धरती का बैल है जिसे नंदी बोलते हैं, महादेव शिव शंकर भगवान का वरदान है इसके ऊपर, तभी तो विश्व में इतना नाम कमाता है। नहीं ये विश्व में कौन सी जगह में ऐसा बैल है, नहीं ऐसा नहीं, पर जो नागौरी बैलों ने इसे ले जाके पालते हैं वहाँ पे, ले जा हाँ, ये नागौर के बैल ने जो इनाम कमाया है, जो नाम कमाया है और विश्व में कहीं पे नहीं कमाया है। रेस के ये बैल लिया है क्या आपने? हाँ ये हमने लिया है सब जी। ये देखिए कितना खूबसूरत बैल है, ऐसा लग रहा है मैं किसी घोड़े के पास में खड़ा हूँ। सफ़ेद घोड़ा भी इतनी हाइट का होता है लगभग, और ये सफ़ेद घोड़े जैसा दिखाई देता है ये नागौरी बैल। क्या इसका कोई नाम भी है क्या सर? नहीं नाम नहीं है साहब जी, ये अभी खरीदा है हम लोग, गांव जाएगा तीप माँ नाम बनेगा इसका, चिट्ठी फेंक के उसका नाम बनाएंगे। अच्छा अच्छा, हमारे घर पे भी है साहब जी दो बैल। अच्छा, उस एक हाँ एक का नाम हीरा मोती है, पर बहुत छोकरे की जैसे रखते हम लोग। अभी एक और लिया है ये। अच्छा, ये बड़े वाला भी लिया है, और वो लिया परला और वो लिया। अच्छा यहाँ पे आपने मतलब काफी बैल खरीदे अभी हैं? चार बैल खरीदे। ये जैसे क्या कीमतों के हैं? जैसे अपन जैसे ये कितने दांत का है? ये चार दांत का है, चार बन चार दांत है, चार दांत है ये। अभी हमने सवेरे में खरीदा है इसको 35,000 में, 35,000 में खरीदा। अच्छा, 35,000 में जैसे बड़ा वाला ये, और ये है आठ दांत का है सब्जी, इसको फुल भेड़ा। इसके जैसा नारा तो पूरे गुजरात में फोटो पारे। रुक जा, ये फोटो खिंचाने, इसके नखरे देखिए, नखरे देखिए, बड़े नखरा करके फोटो खिंचाता है ये। पकड़ा तपेला किया हमारे गुजरात के अंदर, ये नाम कमाएगा गुजरात के अंदर ना के पूरा अहमदाबाद घूम लेंगे ना, तो इसके जैसी चीज नहीं देखने मिलेगी। लोग गाड़ी में से फोटो खींचेंगे साहब, फोटो के कौन सी धरती का है ये पशु जिसे बैल बोलते हैं। और एक वो है घोड़े का बच्चा खड़ा है, इसकी कट काटी देखिए, इसकी सुंदरता देखिए, इसके तो पैर देखो। अभी ऐसे कॉम्पिटिशनों में और में नहीं लेते आप भाग? नहीं साहब जी, हमारे को यहाँ से क्या परिचय नहीं है, इसके लिए नहीं लेते हैं। कॉम्पिटिशन से मतलब नहीं आपको, नहीं कम आपको शौक है, आप शौक है। हाँ हम कम से कम 10 साल से आते हैं सब इधर। क्या और ये बैल देखिए। तो इस बार का जो मेला कैसा लगा आपको? मेला तो अभी 3 साल के बाद ये बढ़िया सा भरा है। 3 साल पहले भरता था, पर कोरोना के हिसाब से कम होता था, पर अभी देखो वो चले ना तो जैसे घोड़े को पीछे रख देवे, दौड़ लगाए तो घोड़ा भी एक बार हाँ पीछे हो जावे। ये देखिए दौड़ लगाए तो घोड़ा भी पीछे रह जाए, ऐसा खूबसूरत नागौरी बैल। 10 किलोमीटर तक भगेगा ना फिर भी वो थकेगा नहीं, इतना भगता है नागौरी बैल। उसे लेके आए हो? हाँ खंवर गाँव है, रोड के पास में, रोड के पास खंवर, श्याम सिंह नाम है हमारा, ये खरीद ले। गाँव से लेके आए हो? हाँ खरीद के। हाँ तो यहाँ पर, यहाँ पर बेच, यहाँ पर बेचोगे? बेचा। अच्छा ये कितने दांत का? ये और चार कर लिया साहब, चार दांत कर लिया। हाँ। लग चार साल का हो गया ये? अब कर लिया है चार ही। अच्छा अच्छा, दो हो गया पड़ गया। अच्छा अच्छा, तो इसकी जैसे क्या आप कीमत कैसे किस तरह से रखें? कीमत तो इनमें कसर आएगी साहब, अब करेगा कीमत तो बार गणी में है, वो तो 20 ही मंगूंगा। नागौर के पशु मेले में ये देखिए खूबसूरत हष्टपुष्ट एक नागौरी बैल दिखाई दे रहा है, थोड़ा परिचय हम उससे करते हैं। ये कहाँ से आया है क्या? ये आया हरियाणा से, हिसार साइड से। अच्छा। घर का पाला हुआ है, नागौर से छोटे बछड़े लेके गए थे। हाँ। पाल के खेती करके अब बेचने के लिए लाए। ये कितने समय का हो गया? कितने साल? ये समय का होगा 2.5 साल का। 2.5 साल का? हाँ। फुल बड़ा हो गया ये? फुल बड़ा हो गया है, दांतन में मिल गया, 8 दांत हो गया। छह दांत है जी। हाँ तो इसकी जैसे क्या कीमत मिल पा रही है? क्या कीमत इसके? 80,000 मांग रहे हैं। 80,000 कीमत ऐसा है जी, कीमत जो इसने खुआ रखा है नहीं वो भी नहीं मिल रही, और जो पूंजी लगाई थी वह भी नहीं मिल रही। 45,000 का यहाँ से खरीद के ले गए थे छोटा बछड़ा, और 2 साल पहले। हाँ और 40 किलो देसी घी खुआ दिया, और जो खुआ दिया उसका कोई कीमत है कोई नहीं, तो अब मिलन क्या लग रहा है? मिलन तो कुछ नहीं लग रहा। तो मेले में ये जो व्यापारी आते हैं इनको पुलिस परेशान करती है, आगे ले जाते हैं वो खेती के लिए, उनको पुलिस बहुत परेशान करती है।
क्यों यहाँ से वो दिया जाता है ना, जब भी दिया, जब भी हाँ पुलिस रोकती है, पब्लिक रोकती है, ये तो है नहीं, सरकार ना ये चाहिए, या तो मेला ना लगाओ, मेला लगाओ तो सरकार ये परमिशन करो भाई जो बच्चा ले लिया वो जाओ, अगला पैसे दे के लेके जा रहा है, मारन कटना अंत को रोकने को लग रहा, ये सिस्टम है जी, ये गलत है। आप जैसे ये बेल पहली बार तो नहीं लिया होगा, आप पहले भी लेते होंगे? हाँ जी। ये क्या वैसे क्या करते हो आप बैलों से? हाँ मैं तो सिर्फ गन्ना की खेती पाड़ा हाँ, अच्छा। सेवा करा हाँ और रेस में दुड़ावा, अच्छा। बस वापस बेच दो। बस वो फिर रोज तो रखा कौन जावे, पशु है, रोज तो रखा कौन जावे, फिर बेच दिया, फिर छोटा ले लिया, फिर बड़ा करके उसने फिर बेच दिया। ये नागौरी बैल है लेकिन अभी हरियाणा से, अभी हरियाणा से जी, जो बैल की खेती कराया करते हैं वह आदमी ट्रैक्टर से करने लग गए भाई, परेशानी ज़्यादा है। बैल पैदा कहाँ होते हैं? राजस्थान में, राजस्थान से बढ़िया कहाँ बनते हैं? हरियाणा में, और हरियाणा से फिर ये बैल कहाँ जाते हैं? यूपी में, यूपी में गन्ना की खेती हो और उसमें ई खाड़न खातर बैल लेके जाऊँ, और एमपी में खेती कर रहे हैं, गुजरात में भी खेती कर रहे हैं, उड़ जावा अब, लेकिन ये उरे तो कौन जान लग रहे, उरे तो जान तो कौन देने लग रहे? पब्लिक नहीं है, पब्लिक। आपका शुभ नाम क्या है? जगबीर सिंह है जी, जगबीर सिंह, हरियाणा हिसार सरसोद गांव है जी।